श्रीलंकन टीम की हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, मुझे अपने घर जाना है। जैसे इंडियन टीम का पहला विकेट जल्दी गिरा, उसके बाद श्रीलंका टीम बहुत ज्यादा अच्छे से खुश हो गई और उनको खुश होने का मौका भी दिया गया। पर उसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल जो मजे लेके खेले हैं, श्रीलंकन टीम का भाई चेहरा देखने लायक हो गया था पूरा का पूरा। हालांकि विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों का ही शतक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तब तक प्लॉट सेट हो चुका था। तो आतिश अय्यर ने भी टाइम नहीं लिया और बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने भी खेली और इंडिया ने श्रीलंका को 358 रन का टारगेट दिया। पर असली मजा तो सेकेंड इनिंग में होना बाकी था। जैसे श्रीलंकन टीम बैटिंग करने आई, जसप्रीत बुमराह ने पहली बॉल पे एक विकेट ले ली और तब तक तो आग लगी चुका था। उसके बाद सिराज आते हैं, वो भी अपने पहले ही बॉल पे विकेट ले लेते हैं और एक टाइम पे भाई मैं कंफ्यूज हो गया, भाई ये रन कौन सा है, विकेट कौन सा है, दोनों सेम चल रहे थे और उन दोनों में रेस लगी हुई थी कौन आगे निकलेगा, विकेट्स आगे निकलेगा या फिर रन आगे निकलेगा। उसके बाद मोहम्मद शमी आते हैं अपने आग के गोले को लेके, भाई ऐसा फेंकते हैं भाई 5 विकेट लेके चले जाते हैं। श्रीलंकन टीम का जो स्कोर कार्ड था वो एकदम पिन कोड की तरह दिख रहा था, 0-0-1-0-1 और इंडिया 302 रनों की भयंकर जीत के बाद सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है।